तो जो कश्मीर की मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इंडिया ने जो दोबारा से लॉकडाउन इम्पोज़ किया है, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी महसूर होकर रह गई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हॉस्पिटल में एक्सेस नहीं है, कोविड-19 की वजह से लोग मर रहे हैं इस वक्त। और जो एक फॉल्स इम्प्रेशन दिया जा रहा है दुनिया में इंडिया की तरफ से कि वहाँ पे नॉर्मलसी आ गई है, नॉर्मलसी नहीं आई। और उसकी वजह यह है कि जो आप कश्मीर से आने वाली रिपोर्ट्स है वो बड़ी स्टैगरिंग है, बड़ी ख़तरनाक, बड़ी तकलीफ दे, बड़ी हार्ट रेंचिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से खदशा ये हो रहा है कि इस वक्त वाइल वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हमारी आंखों के सामने इस वक्त जेनोसाइड कमिट हो रहा है। और मुझे तकलीफ़ इस वजह से होती है ज़्यादा कि फ्री वर्ल्ड, द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज, लेकिन उसकी तरफ कोई, नोबडी इज़ पेइंग हीड टू इट। तो आज जो एक साल का जो इस्तेसाल जो हुआ है कश्मीर में, वो जो पूरा हो रहा है, तो कश्मीर की हालत वर्स्ट हो गई है। जिसको इकनॉमिकल डेवलपमेंट कह रहा था इंडिया, वो इकनॉमिकल डेवलप नहीं हुए, बल्कि और रिप्रेशन और बढ़ गई है, और ज़्यादा कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई है। बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से इस वक्त लोग साइकोलॉजिकली बीमार हो पा रहे हैं, साइकोलॉजिकली से करें। लेकिन इसने सारे कश्मीरियों को दोबारा से इकट्ठा कर दिया है, और मूवमेंट जो है, जो फ्रीडम मूवमेंट है, वो अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। अब उस लेवल पर जा चुकी है कि कश्मीरी अब किसी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। तो हमारी दुआ है कि वो दिन ज़रूर आए, और जल्द आए, कि हम कश्मीर की आज़ादी को देख सकें अपनी आंखों से, और कश्मीर की आज़ादी का परचम लहराता हुआ दुनिया भी देख सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।